लेते हैं अगली बड़ी खबर का। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। अभिभाषण पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और एक बार फिर आज संसद में हंगामे के भी आसार बनते दिख रहे हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। राज्यसभा में वहीं चर्चा के लिए 21 घंटे का समय रखा गया है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार है। धन्यवाद प्रस्ताव पर यह चर्चा होगी। चर्चा में विपक्षी गठबंधन भी हिस्सा लेगा और इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। नीट के मुद्दे पर विपक्ष पहले से हमलावर है। नीट के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में काफी कुछ कहा था। इसको लेकर विपक्ष बहुत कुछ कहने की तैयारी में है। 16 घंटे लोकसभा और 21 घंटे राज्यसभा ये चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस चर्चा पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब सामने रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री अपना जवाब सामने रखेंगे। लेकिन आज इस चर्चा में विपक्षी गठबंधन जब हिस्सा लेगा तो हंगामे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय कौशिक कांग्रेस नेता के तौर पर और अजय कुमार झा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक वत्स जी आपका रुख कर लेते हैं। ये सत्र इस बार सदन का 3 जुलाई तक के रखा गया, 10 दिन का यह सत्र था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कल जवाब सामने रखेंगे, लेकिन आज पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज चीजें हंगामेदार रह सकती हैं। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि हंगामा हो सकता है? आलोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। आज सत्र में आज चर्चा की शुरुआत मेरे से प्रश्न किया है। जी, अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये चर्चा आगे बढ़ेगी तो कई सारे मुद्दे हैं। राष्ट्रपति के भाषण में भी कई मुद्दों का जिक्र हुआ है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? सत्र कितना आसानी से सत्र में चर्चा होगी या फिर आपको लग रहा है कि हंगामा होना तय है? देखिए, हंगामा होना तय है इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके का नकारात्मक रवैया अपनाए बैठा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलने देने के लिए कटिबद्ध है। सबसे पहला मुद्दा ये उठाएंगे नीट का मामला और उसके ऊपर ये हंगामा करेंगे और वॉकआउट भी कर सकते हैं और सदन का वक्त जाया करेंगे, जो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार जितनी त्वरित कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से सीबीआई और दूसरी एजेंसियां सजग रूप से लगातार छापेमारी कर रही है और अरेस्टिंग भी हो रही है, अभी तक जहां तक मेरे संज्ञान में है 21-22 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं नीट और यूजी से संबंधित उत्तर पुस्तिका के मामले में, और अभी इसके जो किंग पिन है उन तक भी पहुंचने की पूरी तैयारी इन एजेंसियों ने कर रखा है और पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जहां कहीं भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था वहां पर जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए गए चाहे जा रहे हैं उन तक भी ये लगातार पहुंच रहे हैं, उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं, खासकर बिहार, झारखंड और गुजरात, इन जगहों पर इनका नेटवर्क मुझे ज्यादा प्रबल लग रहा था, वहां पर भी। मुझे संक्षेप में बताइए, अरे आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करेगा, इसमें नकारात्मक है क्या? विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर चेक्स और बैलेंस रखना। बिल्कुल सही है आपका कहना, विपक्ष का जो मेन काम है वो है एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज आल्सो। तो एक्सपोज तो ये मामला हो चुका है, डिपोज हो रहा है, डिपोज को पूरी तरीके से समापन के लिए ये तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं डिस्कशन चाहिए।
देखिए बहुत सी चीज इसमें अभी गोपनीय है, अगर उसको उजागर कर दिया गया, सीबीआई कभी अपना काम उजागर करके नहीं करती है, या और भी जो एजेंसियां हैं इस तरीके की, क्योंकि उजागर कर देने से हो सकता है जो कोई लोग इसमें संलिप्त हो उनको कहीं और छिपने का मौका मिल जाए, ठीक या उसकी काट निकालने ठीक का है, मौका मैं समझ रहा हूं, मैं उस पर जोर भी नहीं डालूंगा, मैं तो मुद्दों के आधारित बात कर रहा था। विजय कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कांग्रेस नेता के तौर पर। विजय जी, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई मुद्दों का जिक्र किया, कई मुद्दों में नीट भी है जिस पर राहुल गांधी जी काफी ज्यादा हमलावर रहे हैं, उन बच्चों से मिले हैं, उनके माँ बाप से मिले हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगता है कि जो बच्चे साल भर तक मेहनत करते रहे, उनकी मेहनत के साथ अगर खिलवाड़ हो जाए और विपक्ष से मुद्दा बनाए, तो विपक्ष का यहां पर इसे हंगामे की श्रेणी में रखना ठीक नहीं होगा, इसे चेक्स एंड बैलेंस कहा जाएगा। लेकिन आपका जवाब सुनूं उससे पहले बड़ी खबर का भी रुख कर लेता हूं। संसद सत्र में पूरी तरीके से आज हंगामे होने के आसार हैं, दोनों सदनों में नीट पर हंगामा होना तय है। राहुल गांधी आज कई मुद्दे सदन में उठा सकते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हालांकि चर्चा होगी इन सारे मुद्दों पर, सरकार भी आगे आएगी। बीजेपी नेता आलोक वत्स ने कहा कि कई चीजें गोपनीय होती हैं, उन गोपनीय चीजों को अभी सामने लाने का सही समय शायद नहीं आया है, उससे लोग तैयार हो सकते हैं, लोग समझ सकते हैं सारे हालात को, लिहाजा हंगामे के पूरे आसार तो सरकार भी महसूस कर रही है। और ये सत्र हंगामेदार होगा तो काम कितना होगा उस पर चर्चा हमेशा होती रही है, इस बार भी शायद हो जाए। लेकिन इस बड़ी खबर के साथ मैं विजय कौशिक जी आपका ही रुख करूंगा, क्या वाकई सत्र में हंगामा ही एक मकसद है या फिर विपक्ष सरकार को चेता रहा है कि अभी तो शुरुआत है? देखिए, हंगामा कोई मकसद नहीं है, ना ही हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं। जो हमारा विपक्ष का दायित्व है हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपकी अदालत में मेरे बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा के जो बैठे हुए हैं, उन्होंने माना है कि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है, इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, खुद सरकार ये मान रही है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और असल बात बता नहीं रही सरकार। असल बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के मंत्री नेताओं द्वारा मोटा पैसा लेकर नीट परीक्षा में गड़बड़ कराई गई है। वरना आप एक तरफ नेट की परीक्षा देखें, नेट की परीक्षा में जरा सी सूचना मिली सरकार को और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। भाई हम आपसे कोई सीबीआई जांच का डेटा नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने मान लिया है कि इसमें गड़बड़ हुई है, बेईमानी हुई है, धांधलीबाजी हुई है, तो इस परीक्षा को दोबारा कराने में दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार क्यों अड़ी हुई है उन कृषि बिलों की तरह जिनको लेकर बाद में सरकार को माफी मांगकर और मोदी जी को यह कहना पड़ा कि हम वापस लेते हैं? तो भैया जब आप खुद मान रहे हैं कि नीट की परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है, पेपर लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, तो भाई परीक्षा दोबारा से तो कराओ आप। आपने जो पहले परीक्षा आयोजित कराई थी क्या वो सरकारी खर्च पर कराई थी? सरकार की जेब से कराई थी जब भी आपने बच्चों से पैसा लिया था। आज उन बच्चों का पैसा भी आपने लूट लिया और चोरी भी स्वीकार कर रहे हैं और चोरी के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग कर रहे हैं। असली कार्रवाई तो इसमें सीधी बनती है कि पहले परीक्षा रद्द की जाए, दोबारा परीक्षा हो, सीबीआई जांच अलग विषय है, सीबीआई जांच चलती रहे। इसके अलावा इस बार संसद में हमारे और भी कई मुद्दे हैं जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूंजीपतियों को लूटा जा रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी द्वारा। इसके अलावा किस तरह से विपक्षी नेताओं को दबाने की साजिश केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से भाजपा रचती है। इसके अलावा बॉर्डर से संबंधित मुद्दे, चाहे वो चाइना बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेदों का मुद्दा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिस तरह से कश्मीर में हमले हुए। ठीक है, ठीक है, मैं और भी चर्चा में विजय भाई आपको मौका दूंगा। एक तरीके से एजेंडा सामने रख दिया विजय कौशिक जी ने, नीट की बात उन्होंने कही, उन्होंने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात कही, उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात कही। लेकिन अजय कुमार झा जी, नीट का मुद्दा जिस पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन बहुत ज्यादा मुखर है, उस पर ये बात तो साफ है
कि शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर बाद में एक एक करके चीजें आनी शुरू हुई तो जांच की बात हुई, वो सीबीआई तक पहुंच गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, अब यह पता चल रहा है कि असली मुखिया शायद देश में है या नहीं है, वो बाहर है। तो नीट के मुद्दे पर अगर चर्चा को हंगामा, चर्चा के चलते हंगामा होता भी है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने शुरुआत में कुछ कदम गलत उठा लिए थे जिसको लेकर स्थिति बिगड़ गई सरकार के लिए? ये आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है राजीव जी, लेकिन ये बात भी सच है कि जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने प्रारंभ में तो ऐसा माना नहीं था, ये भी सच है। लेकिन इस बात को हम लोग इग्नोर इसलिए कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो आए ही थे, तब उन्होंने चार्ज लिया ही था, जस्ट उन्होंने ओथ लिया था और उन्हें परिस्थिति की जानकारी उस समय संभवतः नहीं रही होगी। और वैसे भी अभी तक तो ये नीट को लेकर के कोई सवाल पहले नहीं। राजीव भाई ये गलत बात कह रहे हैं, ये हो सकता है कि अब जी विजय जी मेरा निवेदन है कि कोई टोक नहीं रहा है तो उनको बात कहने दें, बाद में रिबट कर लीजिएगा, मेरी बात रखने दें, फिर आपके पास समय तो है। तो ये हुआ होगा तो इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने जो अगर कहा तो उस समय तो इस तरह की बातें उनके पास संज्ञान में होंगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जस्ट ओथ लिया था। और जब चीजें आई हैं सामने तो हम लोग देख रहे हैं, अगर निष्पक्षता की बात करें, अगर किसी नैरेटिव को लेकर चले तब तो खैर किसी भी तरह से इसे आर्गू किया जा सकता है, लेकिन मैं चूंकि किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं तो मुझे लगता है कि ये उन्हें इस तरह का प्रायोरिटी मिलना चाहिए कि भाई वो जब उन्होंने जब देखा और चीजों की समझ उन्हें मिली और जब ये पता चला बिहार गुजरात जैसे राज्यों में और एक दो जगह और भी जब इस तरह के छापे पड़े और चीजें खुलने लगी कि वहाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो उन्होंने भी माना और फिर ये बातें चल रही है। मैं उन्हें उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं अगर न्यूट्रल तरीके से देखूं तो इसे मेरे चलिए अजय जी, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूँ, उसके बाद मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि नीट एक हिस्सा है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की जो बात विपक्ष कह रहा है वो एक हिस्सा है, लेकिन